कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने सांसद खेल महाकुंभ के नाम पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप अनुराग ठाकुर पर लगाया। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि पिछले 15 सालों में ऐसा कोई खेल महाकुंभ युवाओं के लिए नहीं किया गया, जबकि अब चुनावों के नजदीक राजनीतिक लाभ लेने के लिए करवाया गया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने सांसद खेल महाकुंभ के नाम पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप अनुराग ठाकुर पर लगाया है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि पिछले 14.5 सालों में ऐसा कोई खेल महाकुंभ युवाओं के लिए नहीं करवाया गया, जबकि अब चुनावों के नजदीक राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के खेल महाकुंभ करवाए गए हैं। प्रेम कौशल ने सांसद खेल महाकुंभ पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि कई जगहों पर युवाओं को सर्टिफिकेट तक नहीं दिए गए हैं और केवल युवाओं को गुमराह करने के लिए राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से इन खेलों का आयोजन किया गया है। वहीं सांसद स्वास्थ्य बैन पर भी सवाल उठाते हुए कौशल ने कहा कि पूरे प्रदेश में पहले से ही स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं, लेकिन राजनीति चमकाने के लिए स्वास्थ्य बैन भी चलाई गई थी। ऐसे लोकसभा क्षेत्र के जो हमारे प्रत्याशी हैं अनुराग जी, जैसे चुनाव नजदीक आए, हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर खेल महाकुंभ के उससे एक राजनीति शुरू हुई और पूरे कुछ 6-8 महीने पहले चुनावों से वो खेल महाकुंभ शुरू हुआ, जिसमें अलग अलग तरह की को कबड्डी, अपना बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इस तरह के खेलों का आयोजन किया गया। पहली बात कि ईशुद एक राजनीतिक प्रयास था चुनावों से पहले। 15 वर्ष का कार्यकाल लगभग अनुराग जी का हो गया, 14.5 वर्ष इस तरह का कोई खेल महाकुंभ नहीं हुआ, तो एक शुद्ध राजनीतिक प्रयास था। दूसरी बात कि इसमें पहले ब्लॉक लेवल पे हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ, और इसमें जो प्राइज मनी इन्होंने फिक्स की थी, बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जिनमें जो प्रथम आए, द्वितीय आए, तृतीय नंबर पे थे, चौथे नंबर पे थे, उनको प्राइज मनी नहीं मिली। और एक और बात कि जो सर्टिफिकेट इन्होंने दिए पार्टिसिपेशन के या विनर का, रनर का, उन सर्टिफिकेट्स की कहीं कोई अहमियत नहीं है, कहीं कोई वैल्यू नहीं है। तो एक मतलब एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के खेल महाकुंभ का जो है वो आयोजन किया गया और उनके जो खिलाड़ी हैं, उनके जो प्राइजेस हैं, वो आज तक नहीं दिए गए। प्रेम कौशल ने कहा कि चुनावों से पहले अनुराग ठाकुर बाहरी देशों के दौरे करते रहे और प्रदेश के लिए बाहर से कोई योजना तक लेकर नहीं आए। उन्होंने कहा कि अनुराग को विदेशों में जाने और फिल्म स्टार के साथ रहने में आनंद आता है और अब चुनावों के नजदीक आने पर अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की याद आई है। उन्होंने कहा कि अनुराग की अपने संसदीय क्षेत्र से बनी दूरी को कम करने के लिए ही आनंद फानन में MP फंड से योजनाएं चलाई गई थी। एक इन्होंने वो बैन चलाई, स्वास्थ्य बैन, MP फंड से शायद, और ऐसा दावा किया कि उससे बड़ा भारी लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल गया। पहले ही कांग्रेस पार्टी के सतत प्रयासों से, कांग्रेस पार्टी की सरकारों की कार्यप्रणाली से इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन वो क्योंकि इन्होंने एक राजनीति करनी थी तो चलाई, और कोई समाज की सुधार के लिए, समाज को सहायता करने के लिए प्रयास करता है, हम स्वागत करते हैं, उसका विरोध नहीं करते। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम सारे जो अनुराग जी के दिमाग में आए, जहन में आए, वो तब आए जब इनको लगा कि अब चुनाव आने वाले हैं और 4.5 वर्ष अनुराग ठाकुर सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, इस तरह के जो देश थे उनकी सैर करते रहे। हमें अच्छा लगता, कोई नहीं, विदेश जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड से, सिंगापुर से अपने विधानसभा, अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए कोई ऐसी कोई योजना लेके आते किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, तो खुशी होती। लेकिन क्योंकि BCCI के चेयरमैन बने तो उसके बाद इनका जो लाइफस्टाइल था वो हो गया एक सेलिब्रिटी वाला लाइफस्टाइल, हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी वाला लाइफस्टाइल हो गया। तो इनको आनंद आता था उसमें, विदेश यात्राओं में और बड़े बड़े स्टार्स के साथ रहने में, घूमने में, फिरने में, और जनता के बीच आने में जो था वो थोड़ा कोफत होती थी, क्योंकि कहाँ एक तरफ क्रिकेट के स्टार्स, कहाँ वो जिंदगी लाइफ का एक हाई प्रोफाइल स्टाइल,
और कहां बेचारा गरीब मजदूर किसान, तो उनके साथ इसकी जो अनुराग ठाकुर की जो दूरी रही, उस दूरी को कम करने का प्रयास जो है वो खेल महाकुंभ और ये जो स्वास्थ्य बैन जो चलाई उसके माध्यम से इन्होंने करने का प्रयास किया।